आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी हैं एक, तो जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब आपके। आप पटना से हैं ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। तो जी आपके पीछे पड़ा कोई क्रेजी फैन ऐसा? आजकल के हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया। सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ है। अरे यूपीएससी है ना, खोर के पूछता है पूछो। अब जैसे किसी को कह देंगे मामा जी तो आराम से समझ में आ जाएगा, कहीं गए हमारे बाप के साथ, तो कहेंगे कौन सी बोल रहा है बाप के साथ। अरे मामा जी को ही बोला जाता बाप के साथ। वही ऐसे पूछते भूगोल वालों ने कि दोनों का नाम अलगे रखा। अपने से कितने अच्छे से आप बता दिए कि एक में कि दो में, लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था और आधा लड़का गलती ठोक गया है। क्या पूछा था पता है? कि ज्यादा ठंडा टुंडरा में पड़ता है कि टाइगा। अब लड़का पगला गया है, टुंडरा टाइगा कौन सी बोलो? टुंडरा टाइगा, टुंडरा टाइगा यहाँ पर। अरे इसने इमोजी कौन लिख के भेज रहा है? सबको उन्होंने बतलाने का आदत लगा, इमोजी लिख के भेजा आगे लोग कहेंगे इमोजी कौन सी पढ़ेंगे, इमोजी लड़कियां बना बना भेज रही है। टुंड्रा बोल रहे था आसन फोटो भेज रही है। इमोजी लिख के मत भेजिए आप, अरे जो लिखना है लिखिए ना, इमोजी भेजता है। हिंदी मीडियम वाला तो कहीं कुछ पते नहीं इमोजी में पसंद चाहिए, लेकिन सियार ऐसा किया कि मैं फोटो बना रहा था तो इमोजी बना रहा। ये रेखा बोलिए फटाफट कौन सी रेखा है बीचों बीच से जा रही है? ये रेखा है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। हमारा प्यारा भारत ये रहा हमारा है, सारे जहां से अच्छा ये हमारा हिंदुस्तान। उत्तरी गोलार्ध में है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, ये हमारा कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। अरे ये क्या हो गया, निकल आदमी नहीं है आपको। जितने देश है ना वहाँ के लोग एकदम मंगरेला की तरह। आगे इतना भयानक काला होता है सर, उनको देखकर हिंदुस्तान का अधूरा भाग जाएगा। बहन को तो बातें छोड़, लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है बहुत सुंदर लड़की वो देखिएगा जब डेढ़ साल लड़का पसंद करता है। सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता। भगवान जो है सुंदरता बनाए, अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा। भगवान जिसको सुंदर बनाया ना खूब सुंदर, उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया, तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि काट ली। तो जितना देखिए जितना सुंदर लड़की की लाइन सब अजबे सबसे फसल जाती है, एकदम खौराइल रहेगा खूब सुंदर लड़की लेके घूमने। आप देखिए ना देख रहे देख लीजिए ऐश्वर्या राय की। अभी से एक क्वेश्चन बताइए, हम लोग उस टाइम खाली थे और दिखाइए हाँ ये अजब हाल है वही हो गया। तो यहाँ पे जितना मिलेगा सब सब का सब मिलेगा सब काला का, और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा काला। कश्मीर में खूब कश्मीर की कली वाह वाह समझा गया, वहाँ कोई फेरन लगने की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं, और नीचे दक्षिण भारत में देखते हैं तो सब झमुसल मिलता है। कुछ कुछ हीरोइन गोरी हो जाती है, पार्टी में सोचते हैं फेरन लवली घोर के उन्हें नहा लेगी तो गोर ना हो जाएगी। सुबह भूगोल का नियमित काम नहीं करता साउथ के लोग काले क्यों होते? साउथ वाले लोग बुरा नहीं मानिए, और काला होना बुरा क्या है? हम दूसरे को बोले हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ है। आपको फिर बताए ना जितना काला रहता है उसको कैसा मिलती है सब?
चलो ध्यान से देखो इतना यहाँ समझ अब समझ में आया कश्मीर के लोग गोरे का है। अच्छा कश्मीर से तो ज्यादा गोर चाइना वाला होगा, उसे गोर तो रूस वाला होगा सर। ऐसे जो रूस वाला उनको देखेंगे ना, व्लादिमीर पुतिन को देखिएगा तो लगेगा ऐसे छीलल मुर्गी है अंग्रेज सर को, ऐसे कर देता ऐसा तो खून दिखने लगता है। गूगल कितना ईजी है, इतना ईजी नहीं है। आगे बढ़ो। तो जितने लोग विषुवत रेखा के करीब वाले हैं वो होंगे काले, बीवी में रहेगी गोरी। और जो ये कोई गूगल का नियम नहीं है भाई। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर। अच्छा हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेते। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बर्तन उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है। आपके पीछे पड़ा कि कोई कह रहा था आजकल के फैंस ये संस्कृति है बाबू, ये अंग्रेजों के यहाँ वैलेंटाइन डे होता है जहाँ हर साल उनके
एक बार तुमसे प्यार होता है, सात जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए सात फेरे लेते हैं। हम अंग्रेजों के लिए नहीं है किसी से ओके, वहां फादर डे मनाओ क्योंकि याद ना था। उसके बाद विक्टर, हम बोले ना लड़का के लिए क्या होना जरूरी है, क्या मैं लड़की के लिए अच्छा, लोग बोलते हैं ना प्यार मोहब्बत दिल से होता है, घंटा दिल से होता है। अगर प्यार दिल से होता तो सारा ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके रहते। शादी शुदा लड़की नैहर से ससुराल जाती है तो मेकअप करके जाती है, उसको ही पता है वैल्यू। सुपनेखा भी तो महिला थी, मैं थी, और हम लोग से ज्यादा चरित्रवान खुद भगवान लक्ष्मण थे। उनको नहीं पता था कि डिसिप्लिन क्या होता है, नंगे काटते थे। सुपनेखा का नहीं पता, लड़कियों की मेमोरी को लोग मजाक उड़ाते हैं, लड़कियों को आज भी वो बात याद है कि सुपनेखा जो प्रपोज की थी तो नाश्ता कर लिया गया। कोई लड़की नहीं करेगी प्रपोज, उसी समय से डरी हुई है। ये डर उनके डीएनए में घुस गया। कौन जी करती है? नहीं सर, कौन लड़की करती है प्रपोज? इसे पर समझो नहीं आता, कहां बोलना चाहिए कहां नहीं बोलना चाहिए। नहीं सर, तेरे नाम मूवी देखे, मारता है उसको चोट कहां तक चल जाता है, अंदर तक ले गायब हो गया। गजनी देखे, हाँ मारता है तो क्या हो जाता है, पूरा उसका ब्रेन ही गड़बड़ा जाता है, समझा गया कि नहीं? ये बहुत खत्म है, दोनों ससुर पिटाया सब लड़की के चक्कर। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। जरूरत है भैया पिटाने की, इतना मेहनत से भगवान ने प्रेम दिया, आप लोग जीवन भर मेहनत कर कर इसमें डाउनलोड करते रहते हैं, कभी फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री कोनो लड़की के चक्कर में फरवा के चल रहे हैं, क्या हो गया लाइव वाले सब समझ रहा था। लाइव वाला भी बहुत भूखिया है, जो उधर हंसता है ये कैसे हंसता है तो पता है, इमोजी बना देता है। डिजिटल इंडिया में भी हंसी नहीं बर्दाश्त होती, अब खुशी आएगा तो लाल रंग का भौकाल बना देगी। कभी कभी बैच वैच लेट हो जाता है ना, खुशी आकर इसे बोलता है। आप में से कितने लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेकर? तो अब मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और बढ़ जाएगा। ये बताने से पहले कि गेस्ट कौन है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब में क्या है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो करोड़ों चैनल हैं जो अलग अलग जॉनर्स में, अलग अलग कैटेगरीज में, उसमें से दो बड़ी कैटेगरीज हैं मोटिवेशन और एजुकेशन। पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का नंबर वन मोटिवेशन चैनल है वो मेरा है, और जो वर्ल्ड का नंबर वन एजुकेशन चैनल है किसी इंडिपेंडेंट क्रिएटर का वो उनका है, जो कि हमारे गेस्ट हैं। उनके 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गेट
पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे या इंटरेक्ट करे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए। जो बच्चे हैं वो आपके इतने दीवाने क्यों हैं, इतने पागल क्यों हैं आपके पीछे? मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा था खान सर कब आएंगे, खान सर कब आएंगे, मतलब ऐसा क्या जादू कर दिया? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, हमारे पे भी इतना कमेंट आया इतना मेरे तो ऑफिस में लोग चले आए कि सर कब जा रहे हैं क्योंकि हम लोग का तो एग्जैक्ट टाइम वही पढ़ाना है। तो क्योंकि हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूरत रहे, कि अगर लड़का पढ़ने आया है उसके मन में कोई डाउट ना रहे, हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं। कम है वो, बहुत ही कम है सर। ये जो पीस का कल्चर है ये हमारा इंडियन कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर गुरु दक्षिणा है, उस हिसाब से वो नहीं। ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है वैसे एजुकेशन जरूरी है, वो ये नहीं कर सकता कि पैसे की वजह से वो खान सर यहाँ से लौट गया। क्या बात है, मैंने देखा कि आपका जो चैनल है ये पिछले 3 साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है। आपको जब चैनल शुरू हुआ तो एक दिन में हम 4-5 वीडियो बनाए, एक तो हमको कुछ आता आज भी नहीं आता, इतना तो हम देख के कैमरा वैमरा तो हम कंफ्यूज हो गए बाप रे तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया, पढ़ाने वाला टॉपिक था, हमको उसके बाद कभी वीडियो नहीं, 6-7 वीडियो एक ही बार शूट कर लिए। और एक जो थे जिनका कैमरा वगैरह, हमारे पास कैमरे भी नहीं थे उस टाइम, और कैमरा 35,000 का था, तो 6 महीना इसी में लग गया, तो 35,000 इसी में फंस जाएगा तो उनके कैमरे से शूट किए, उन्होंने कोई चार्ज लिया, उसके बाद हम छोड़ ही दिए। लॉकडाउन लगा तब हम कहें आप कैसे पढ़ाएंगे, वो तो एक दिन दो दिन करते करते अचानक लंबा हो गया, तब हमको लगे याद आया कि ओ हो मेरा एक चैनल भी है वहाँ पे तो उस समय उस पर लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। जैसे लॉकडाउन लगा तो उस पर पढ़ाना चाहता हूँ, अब पता नहीं क्या लोगों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आ गया कि आपका स्टाइल ऐसा है थोड़ा सा, आप आई थिंक पढ़ाई के साथ साथ में जो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत छोड़ते रहते हैं ना, मतलब जो एंटरटेनमेंट चलता रहता है ये बात। हम देखिए जब हम गुलाम थे ना तो अंग्रेजों ने एक चाल चला कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे 100-200 साल, मेंटली 1,000 साल का। उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया, उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पढ़ा के चला जाए, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती, पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है, टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे समझाना, वो समझा कि नहीं समझा। अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो आपकी गलती है। लड़का हमसे पूछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहते सर डाउट कैसे पूछे, हम कह रहे तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट क्या। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है खान सर का, मानना पड़ेगा, और शायद यही वजह है उनकी जो ग्रोथ है उसका, किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पिछले 2 साल के अंदर अंदर जो आपकी कमी की ग्रोथ हुई है। आप सभी बता रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम से आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर आज के 17 मिलियन है। और मेरा एक क्वेश्चन और है, उससे पहले के ऑडियंस में भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कि कई बार आप ऐसे भी कपल्स टच करते हैं जो थोड़े से कॉन्फिडेंशियल है, थोड़े से सेंसिटिव है, जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत होती है बहुत कम लोगों में, तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को, तो आप कुछ भी बोल दो कितना भी बोल दो, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बचपन से तो फौज में जाए, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता, उसको करना है मतलब करना है, सामने कुछ भी रहो डजंट मैटर। और मैंने YouTube पे देखा कुछ वीडियोस में कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था, पता नहीं है मतलब आपके आसपास। हाँ, बम को भी पता है कि किस जगह किया जाता है क्या बात है मैं समझ पा रहा हूँ कि ये आपके अंदर जो एटीट्यूड है ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आप बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे, तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हैं इस तरीके से, तो फर्क ये है कि आपके हाथ में कलम है, हथियार ना हो, ये आपके आदमी की जान है, कलम से बहुत ताकत है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से, ये एक ऐसा हथियार है मेरा जी के कदम में पकड़ा है। I can't deny my heart is always
मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हम आपकी वीडियो में देखे हैं सरकार रोल रखे पुलिस वाला की है जब पढ़ाने की बात आएगी बेहतरीन, लेकिन जब सजा देने की बात आएगी तो वो भी बेहतरीन ढंग होगा। ऐसा थोड़ी होगा की बस एक ही चीज बेहतरीन, और डर का होना बहुत जरूरी। ये डर भी अपने आप में जब आपके अंदर थोड़ा सा डर रहेगा, डर के भागी मत, एक ऐसा डर जिसको आप मनी नहीं है थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर आप उसको क्रॉस कर जाएगा। और हमारा वही जाता है ज्यादातर हमारे मारते हो मतलब अगर कोई लड़की खेलता है या कोई भी कुछ गलती करेंगे बाद में पता चला हम पीते हैं तो उसके पिताजी के सामने और पीते। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? फौजी को डरे नहीं लगता। बाकी अफसर से पूछिए। आज के सेशन में मैंने कोई डर नहीं था, लेकिन अब मुझे इनकी डरने वाली कहानियां सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया और इन्होंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यही आ करके अगर इन्होंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है। आपकी डेली कितने घंटे क्लासेस होती है? 6-7 घंटे अभी भी खुद ही करते हो? हमारे स्टाफ परेशान रहते हैं, 1:30-2 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, परेशान रहते हैं। अरे इतना क्यों करते हो? हम जग गए तो कोई सोया थोड़ी रहेगा, परेशान रहते सोते रहते हैं। आपकी शादी हो गई या नहीं? मेरी खुशहाली देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। मुझे आने का मौका दिया एंड सर अब तक मैंने आपको सिर्फ फोन या लैपटॉप में देखा है दोनों को, आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जब हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है और क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं तो हमारी आदत है कि पहले हम 4 लोगों से पूछते हैं कि बता कैसे क्या रहा है, तो उनमें से अगर कोई हमें कह देता है कि ये बेकार डिसीजन है मत कर, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वजह से हम अपना डिसीजन चेंज करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपने डिसीजन पे स्टिक रहे, कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियन है उनको अफेक्ट ना होने दें। दूसरे से सलाह लेने से पहले रिसर्च करना, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे होते हैं वाले अगर आपको पहले से आइडिया उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च करेंगे क्या पॉइंट है क्या निगेटिव, उसके बाद आप किसी से सलाह लें कि मन में आया बताओ चला जाएगा, पहले आपको R&D करना पड़ता है।
समझा कि नहीं। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही तो टाइम पे गियर चेंज करेगा। तो डिसीजन चेंज करना बहुत ज्यादा गलत है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने किसी बात को और ऐड ऑन करूँगा कि ये जो आपने कहा ना कि अपने डिसीजन को स्टिक कैसे रहे, ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपने डिसीजन को चेंज करना होता है। जैसे आपने चार लोगों से डिस्कस किया, कोई इंसान को पॉजिटिव बोल रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि वो जो बोल रहा है उसका बेसिस क्या है, क्या वो किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा है या ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। ऐसे ही बोल रहा है तो फिर उसके बाद पे ध्यान दे। अगर किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा है, फिर चाहे वो पॉजिटिव बोल रहा है चाहे नेगेटिव बोल रहा है, दोनों मायने रखते हैं। उसके बाद में रिसर्च करनी, और फिर रिसर्च करने के बाद में फाइनल डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए। अब वो डिसीजन उससे अलग भी हो सकता है जो हमने पहले लिया था, और वो सेम भी। सर मेरा क्वेश्चन दोनों से है आपसे, हाउ टू डील प्रोक्रास्टिनेशन एंड लेजीनेस। हमारा ब्रेन है आराम खोलना पड़ेगा। अब थोड़ा सा भी इसको आराम क्यों लेके चलेगा ना, तो भी कर ही रहेगा। सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। तो काम जब ये है तब 10 मिनट बाद में उसको आप उस पर हावी मत। वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, हमको यहाँ आराम मिलेगा, पहले काम काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चल, आपका मन कर रहा है मौसम देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया आप कोई काम कर, पहले काम कर लीजिए बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा कुछ पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया आपको, हावी मत होने दीजिएगा उसको। प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है, सबसे छोटे लेवल पे ले जा करके उस गोल को तोड़ो। यानी वो गोल बहुत बड़ा है, उसको ब्रेक डाउन करो, उसके सबसे पहले स्टेप पे आ जाओ। उसको अचीव करने का सबसे पहला स्टेप क्या है, जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, उसका सबसे पहला स्टेप क्या है। अगर घर में कोई नहीं है सिखाने वाला या सिखाने वाली, तो बाहर जा करके जो गाड़ी का ड्राइविंग स्कूल है उधर जा करके पैसे दे। अब फंस गए ना तो फंसा दो, दिमाग ये लगाओ कि अपने आपको कैसे फंसाया जाए। जब हम फंस जाते हैं ना, तो फिर हमको काम करना ही पड़ता है। जब तक आप सोच रहे हो तब तक सोच रहे हो, उसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। अब सोचते चले जाना, प्रोक्रास्टिनेट हो रहा है, वो चीज चलती चली जा रही है। तो उसको छोटे छोटे लेवल पे ब्रेक डाउन करके उसको कर दो, दैट इज नंबर वन। और जैसे ही करना शुरू करते हो, कोशिश करो कि उसको जब तक कि आप सही से नहीं कर लेते हो उसको छोड़ना नहीं, तो आपकी लेजीनेस भी खत्म हो जाएगी। कई लोगों को हम देखे जो सप्ताह में कुछ भी नहीं करता, वो भी संडे को आराम कर रहा है। वैसे कहा भी जाता है कि अगर कोई काम आपको करवाना है ना, तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है, ऐसे आदमी को मत दो जो खाली है। परफेक्ट है, किसी को भी आप देखिएगा जिसको आप कहते हैं कि ठीक ठाक आप समझते हैं कि ये बहुत खाली है, वो एक काम को खत्म करने के बाद कभी आराम नहीं। एक काम खत्म हुआ उसको लगेगा ना, एक खत्म हो गया दूसरा खत्म, और वही जिसको लगेगा एक खत्म हो गया अरे आराम करना चाहिए, कभी नहीं लाइफ में आखिरी सांस तक। यहाँ पे सब हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, भोजपुरी में पूछो, जो भाषा ठीक लगे तोने में पूछ दो। ये पूछना चाहते हैं कि जैसे हमने क्या पढ़ाई करी थी सर, तो कभी कभी डेली टारगेट्स जो ना कंप्लीट ना होना, अगर टारगेट्स कंप्लीट भी होना तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर एंजाइटी या फिर कुछ और करना है या फिर अभी नहीं हुआ, टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले। कोई लड़का 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया, उसको देख के 8 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाई छोड़ देगा। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक एक घंटे को बना लिया कि हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक उसको सस्टेन करें। जिम में कैसे करते हैं, पहले दिन उठा लीजिएगा 1 क्विंटल तो हार्ट अटैक कर जाएगा। तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है, कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा पर तोड़ के बैठ जाएगा। अब संदीप सर का मोटिवेशन देख के इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे, ढकेल देंगे तुमको। हालांकि ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं, क्षमता पता होना चाहिए। आपके अंदर एंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है। आप ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर मेरे को एंजाइटी हो रही है, आप ये कह रहे हो मैंने काफी कुछ कर लिया है फिर भी एंजाइटी हो रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर आपके अंदर एंजाइटी हो रही है, दैट मीन यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको पढ़ने के नाम से एंजाइटी होती है। तो
आपको एंजाइटी हो रही है कि मैंने पढ़ लिया, दिन में मानो 8 घंटे का आपने टारगेट सेट किया और 6 घंटे पढ़ लिया, या मानो 8 घंटे भी पढ़ लिया, फिर भी एंजाइटी हो रही है कि मैंने 10 घंटे नहीं पढ़ा। तो ये तो अच्छी क्वालिटी है ना, ये तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की क्वालिटी है, क्योंकि एंजाइटी उसी को होती है जो केयर करता है, जिसको परवाह है, उसी की तो एंजाइटी होती है। जैसे माँ को अपने बच्चे की, जैसे एक माँ को अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है। हंस लो मजाक उड़ा लो, कोई बात नहीं, एडिट कर देंगे इसको हम। जैसे एक माँ है, उसको अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए उसको एंजाइटी होती है, चाहे बच्चा ठीक भी है, डॉक्टर को नहीं होती है, क्यों? क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है। तो दैट मीन कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर नॉर्मल, जहाँ पर प्यार मोहब्बत होती है वहां पर थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होती है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप लोग समझ रहे हो ना मैं कहाँ जा रहा हूँ? जब वो किसी और से बात करती है तो एंजाइटी होती है ना। सर, आपकी स्टोरी हमने सुनी थी, तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गए थे, उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उस समय मतलब आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं, यहाँ से वापस जाना? रास्ता ही नहीं था, घर जाने के लिए एटलीस्ट 90 रुपए चाहिए थे, जेब में 40 रुपए कैसे घर जाते हैं? और हम गंगा के किनारे चुपचाप बैठे बैठे हम कहीं का बहुत टेंशन हो गया, घर जाना चाहिए, रूम थे किराए की थी आपके सारे, गए वहाँ पे तो रूम लॉक हो गया, कटाए तो ऊपर से गुस्सा से बोले जो ओनर, क्या टाइम हो गया है? 9:10 बज रहा है, गाड़ी देखिए तो 2 बज रहा है। जो औरों के अंदर नहीं है, तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा क्या था जहाँ से आपका दिमाग यहाँ तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर जा सकता हूँ, एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशन लेकर जा सकता हूँ, ये सोचना ही बहुत लोगों से बचकर नहीं है। कोई 100 रुपये किसी काम के लिए मिला, हम कोशिश करते हैं उसे 200 का रिटर्न दें, अगर कोई हमसे 200 रुपया फीस दे रहा है, 250 दे रहा है, तो हम उसको ये कोशिश करते हैं तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं हमने 10-20 हज़ार का पढ़ लिया, पूरी ईमानदारी से कभी करें, और हमेशा अगर हम प्रॉमिस एक्स का करते हैं तो डिलीवर 4x करते हैं। अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओ। एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें कुछ भी करना ना, दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं, या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना कि हमें मिल रहा है। तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की जो इनके जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से 1 रुपये भी लिया, देखा जाए तो 200-250 रुपये कुछ भी नहीं होता है, 200-250 रुपये अगर मैंने लिया तो कैसे उसको 400 रुपये की वैल्यू दूं? ये जो थिंकिंग है ना, यही एक फर्क होता है एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में जो मीडियोकर रह जाता है। आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में जो गूगल पे आपको सर्च करते हैं, क्या बात है, ये आपने अभी बनाया है या ये तो पुराना आपका वो है? मन पे रहता है, फ्लो में बन जाता है आपके अंदर ना सर, कभी हुआ है कहीं ना कहीं बाहर आना चाहता है, कभी ना कभी आपने सोचा होगा कभी कभी? देखिए एक चीज है, संगत का बहुत ही चीज, हमें संगति का मतलब हल्के मिले, संगति का मतलब संग संग गति, अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती है, खराब में रहेंगे तो अपने आप को थोड़ा सोचना चाहिए, केवल जी के मर जाएंगे इसके लिए लोग कहते हैं कि सब ना अपने बताते हैं, हमारी चीज जाने के बाद दुनिया हमको मतलब एक चीज देखना चाहते हैं स्टूडेंट को, वो याद करें कि इस पैसे की हाथ तोड़ के हर कोई दोनों हाथ से घुसने में लगा है, खाली हाथ जाए सबको लगा है, तो हर कोई को ये सोचना चाहिए, हर कोई इंसान जो इतने कम फीस में इतनी
शिक्षा जो महंगी थी, जो कमाने का रास्ता था, उसको भी एकदम कम्पिटिशन इतना कर दिया कि हम लोगों को अपनी चीज बढ़ाने में डर लगता है। लड़का कमेंट करता है सर इतना ले रहे हैं आप और बड़ा टीचर हो। हाँ सर, ये क्लिप है, ये समय और समझदारी में बहुत फर्क होता है। अगर समय गए तो समझदारी आ गई तो इंसान काम है, लेकिन अगर समय चला गया तो समझदारी चला। सर मतलब कि जब वो एक गाना देखते हैं मतलब तैयार हो रहे हैं उनको दिखे, मतलब उन टाइम पे दिखे। यही होता है सर, किसी सर का मोटिवेशन ज्यादा हो जाता है। जब आप स्ट्रगलिंग थे कम से कम चीजों को अपने ऊपर करो, ज्यादा से ज्यादा सीखने में करो। अगर आप राजा बनने का शौक, गुलाम की तरफ मेहनत करना, सब राजा बनते हैं। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर, तू अपने बनाए की चीजों से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक चुकंदर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत मजा आया मेरे को आपके साथ में इंटरेक्ट करके, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। The memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya. Take a